जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्य और आप देख रहे हैं मेजरली राइट। दोस्तों 14 अगस्त जिस दिन पाकिस्तान बना था, तो उसकी जब सालगिरह पाकिस्तान मनाएगा इस साल, तो पाकिस्तान एक बहुत बड़ी वीजा पॉलिसी अपनी अनाउंस करेगा। पाकिस्तान का ये कहना है कि एक तो वीजा फीस हम लोग बहुत कम कर देंगे अपनी, ठीक है। ये देखिए साहब, आपको मजा आने वाला है, हंसिएगा मत। ये देखिए साहब, एक तो चाइनीज वीजा फ्री एंट्री है, चाइनीज को वीजा की जरूरत नहीं है। चाइनीज 14 अगस्त के बाद आ सकते हैं, और इन्होंने ये बोला है कि 126 देशों के लिए हम वीजा फी अबॉलिश कर रहे हैं। 126 देशों के लिए कोई वीजा फी नहीं है। आप पाकिस्तान अंदर घुसी, आपको कोई पैसे वैसे देने की आवश्यकता नहीं है। और पाकिस्तान ने यह बोला है कि साहब, और ये शहबाज शरीफ ने बोला है यार, ये कहता है कि जो चाइना की इकोनॉमी है उसके ऊपर मैंने पाकिस्तान की इकोनॉमी को मॉडल करके बिल्कुल चाइना की इकोनॉमी जैसा बनाना है। यहां पे एक्सपर्ट्स हैं, हमारे पास सारे एक्सपर्ट्स हैं। जैसे आप कभी भी पाकिस्तानी को देखिएगा किसी को यूट्यूब पे बोलते हुए या टीवी पे बोलते हुए, हर समय कहेंगे कि हमारे पास टैलेंट दुनिया में सबसे ज्यादा है, हमसे काम नहीं हो पा रहा, उसके क्या कारण है, क्या वजूहत है, हमें नहीं पता, लेकिन टैलेंट हमसे, तो यही टैलेंट है बकवास करने का पाकिस्तानियों का। और उनका जो प्रधानमंत्री भैया वजीर आजम, उसका तो सबसे ज्यादा टैलेंट है पूरे देश में। तो ये कह रहा है कि पाकिस्तान की इकोनॉमी को चाइनीज इकोनॉमी उस तरीके से बनाना चाहता है, चाइना पे मॉडल करके। दे वांट टू फॉलो इन चाइनाज फुटस्टेप्स। यार मैं अक्सर पाकिस्तानियों को यह बोलता हूं कि तुम लोग बड़े बोल क्यों बोलते हो, इतनी बकवास बोल वचन। आई होप पाकिस्तान का एक दिन एक वजीर आजम बने जो बलूचिस्तान का हो, या फिर खैबर पख्तूनख्वा का हो, या फिर नॉन पंजाब, पास्ट में भी रह चुके हैं, ऐसी बात नहीं कि पास्ट में नहीं रह चुके हैं। बेनजीर भुट्टो सिंध की थी, ये जरदारी है इनका प्रेसिडेंट, तो ये तो बलूचिस्तान का, ही इज फ्रॉम बलूचिस्तान ओरिजिनली, ही इज फ्रॉम बलूचिस्तान। तो ऐसी बात नहीं है कि जो वजीर आजम पाकिस्तान के सिर्फ पंजाब के बने, बाहर के भी बने। लेकिन मुझे लगता है कि अब ये जो इनका बड़बोलापन है, ये बड़के मारने की आदत है, खासतौर से पाकिस्तानी पंजाबियों में बहुत ज्यादा है। ये तब बकवास करते हैं जब इनको नहीं करनी चाहिए होती, हर चीज में बकवास करते हैं। और इनकी कौम भी इतनी जाहिल है कि इनकी कौम भूल जाती है 72 घंटे के बाद कि उसने, बॉस ने बोला क्या था 72 घंटे पहले, ये फिर बकवास कर देते हैं। अब ये कह रहा है मैं चाइना बनना चाहता हूं। अच्छा देखिए, चाइना के लिए वीजा फीस पाकिस्तान करेगा माफ। क्या चाइनीज पाकिस्तान में वो 2 कौड़ी की जो तुम्हारी वीजा फीस है उसके चलते आने से मना कर रहे हैं? मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं दोस्तों। ये आई डोंट नो व्हाट इज रॉन्ग साइकोलॉजिकली विद, इट्स अ साइकोलॉजिकली डैमेज्ड कंट्री पाकिस्तान। जब भारतवासियों ने यह बोला और भारतीय क्रिकेट टीम ने यह बोला कि हम पाकिस्तान नहीं जाएंगे, हमें जान का खतरा है, हमें सिक्योरिटी का खतरा है। जावेद मियादाद इसके ऊपर कमेंट कर रहे थे, उनसे पूछा किसी ने कि भाई, टेलीविजन स्टूडियो में बैठे थे, बड़े सीनियर पाकिस्तान के क्रिकेटर रह चुके हैं, और इमरान खान और जावेद मियादाद एक साथ खेलते थे, और जावेद मियादाद दुनिया भर में माने हुए बैट्समैन हैं, कैप्टन भी रह चुके हैं पाकिस्तान टीम के। लेकिन दिमाग तो वही है ना, दिमाग इंसान का तो वही रहता है। जब उनके सामने पूछा कि साहब, ये जो इंडियन क्रिकेट टीम है वो कह रही है कि पाकिस्तान में आएंगे तो उनको खतरा है, उनको सिक्योरिटी की प्रॉब्लम है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं, तो कहता मैं तो इंडियंस को यही बोलूंगा कि तुम डरो मत यार, जिंदगी और मौत तो अल्लाह के हाथ में। इज दैट सपोज टू मेक विराट कोहली एंड रोहित शर्मा फील बेटर कि जिंदगी और मौत अल्लाह के हाथ में? अरे बेवकूफ इंसान, जिंदगी और मौत तुम्हारी सिक्योरिटी वाले के हाथ में। पूरा मुल्क तुमने अल्लाह के हाथ में चला रखा, इसलिए बेड़ा घर को रखा। अल्लाह भी सोचता होगा कि कहां ये पागल मेरे पीछे पड़ गए, क्योंकि और भी तो मुस्लिम कंट्रीज अल्लाह ने बनाई है, वो तो बिल्कुल नॉर्मल है। तुम्हारे साथ पता नहीं क्या खास प्रॉब्लम है यार दिमाग की, सऊदी अरब ने बनाया। फिर जितने भी 57 मुस्लिम कंट्रीज हैं, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम पाकिस्तान में है। ये ऐसी हरकतें, अब जैसे जावेद मियादाद ने बोल दिया कि तुम डर क्यों रहे हो, अगर मर गए तो मर गए, कोई बात नहीं यार, जिंदगी और मौत तो अल्लाह के हाथ में, बोल दिया जावेद मियादाद ने। वही चीज शहबाज शरीफ चाइनीज को कह रहा है। मैंने इसलिए आपको जावेद मियादाद का एग्जांपल दिया, वही चीज शहबाज शरीफ जो कह रहा है चाइनीज को कह रहा है कि यार एक काम करो, तुम देखो चिंता मत करो। शहबाज शरीफ ये नहीं कह रहा कि मैं खुद पर्सनली इंश्योर करूंगा कि तुम्हें खरोच ना आए,
पाकिस्तानी आर्मी चीफ सबके सामने आए और बोले कि हम आए जनरल आसिम मुनीर हियर बाय प्रॉमिस दैट नॉट अ स्क्रैच विल बी देयर ऑन एनी चाइनीज इंजीनियर और वर्कर हु इज इनसाइड पाकिस्तान, नॉट अ स्क्रैच, दैट इज माई पर्सनल गारंटी एज आर्मी चीफ. ये उसको बोलना चाहिए. ये कह रहा तुम्हारी वीजा की फीस. अबे बेवकूफ आदमी, तुम्हारी 2 करोड़ 54 की वीजा फीस के लिए वो लोग यहां पे आने से मना कर रहे हैं. चाइनीज इसलिए नहीं आ रहे हैं क्योंकि उनको डर लगता है, उनका गला सूखता है, क्योंकि वो कहते हैं पागलों की कौन है, पता नहीं कौन फट गया बीच में, हमें लेके चला जाएगा. दैट इज द रीजन वाई द चाइनीज आर नॉट कमिंग. आप प्रॉब्लम तो समझिए, आप सबसे पहले चाइनीज की प्रॉब्लम समझिए. चाइनीज क्यों डरे हुए हैं? चलो ठीक है, एक तो आप लोगों ने चाइनीज के पैसे खा लिए, वो एक मैटर है. आप चाइनीज से पैसा मांगते रहते हैं, चलो वो एक दूसरा मैटर है. तीसरी चीज, जो आप पैसा मांगते हैं आप उसको रोल ओवर निरंतर करवाते रहते हैं, लगातार करवाते रहते हैं, क्योंकि आपको पैसा वापस देने की सलाहियत नहीं है, चलो वो भी एक मैटर है. चाइना के प्रोजेक्ट्स आप लोगों ने रोक दिए सी पैक के, वो भी एक बात है. ग्वादर में इतने प्रोटेस्ट हो गए कि ग्वादर सीपोर्ट बिल्कुल ठप बैठ गया, चलो वो भी एक पार्ट. बात ही बात है. मैं कह रहा हूं ये भी मान लो, ये भी मान लो, ये भी मान लो, सब मान लो यार, सब मान लो. लेकिन तुम चाइनीज से कह रहे हो कि ये सब तो है जो हम तुम्हारे खिलाफ कर रहे हैं, लेकिन यार तुम्हारी जान भी चाहिए हमें, वी रिक्वायर योर लाइफ ऑल्सो. अब चाइनीज कहते हैं यार ये तो ज्यादा नहीं हो गया, ये बहुत ज्यादा हो गया. और मैं पाकिस्तानियों को कॉन्फिडेंस, वही जावेद मियादाद वाला कॉन्फिडेंस. अब देखो पाकिस्तानियों को कॉन्फिडेंस, ये कहते हैं कि तुम्हारी वीजा फीस हम माफ कर देंगे, तुम आ जाओ. चाइना कहता है यार कमाल है यार, पाकिस्तान ने वीजा फीस माफ कर दी. कहां हमारा छोटा सा मुल्क चाइना 4% पे ग्रो कर रहा था, जैसी वीजा फीस माफ हुई हमारा मुल्क 8% पे ग्रो करे, चाइना की GDP 8% हो जाएगी क्योंकि पाकिस्तान ने वीजा फीस माफ कर दी. भाई साहब सब चरस लेके बैठे हुए हैं पाकिस्तान में, सब चरसी बैठे हैं वहां पे, दिन रात यही फ्रॉड करना. अब इन्होंने बोला कि भैया जो सिख यात्री हैं ठीक है, हम उनके लिए हम उनको प्रायोरिटी पे, ये देखिए मैं आपको बताता हूं रिपोर्ट. ये कह रहे हैं कि भैया सब कैटेगरी वीजा ऑन अराइवल फैसिलिटी फॉर सिख यात्रीज हैविंग पासपोर्ट ऑफ द थर्ड कंट्री जो फ्रॉम कंट्रीज अदर देन इंडिया. अरे 90% सिख तो इंडिया में रहते हैं, 90% सिख इंडिया में रहते हैं. अब ये देखो इन्होंने और भी बोला है, ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान फेडरल कैबिनेट हैज ऑल्सो अप्रूव्ड एन MOU विद चाइनीज फोकस्ड ऑन ट्रेड प्रमोशन एंड कोऑपरेशन. ये कह रहे हैं साहब कि हमें ट्रेड के लिए MOU साइन करना, तुम लोग बनाते क्या हो? मुझे एक बात बताओ, मुझे अभी तक यह समझ में नहीं आया कि ट्रेड क्या होती है. चलो आपकी ट्रेड में इंबैलेंस हो सकता है, हमारी और चाइना की ट्रेड में भी इंबैलेंस है ठीक है, हमारी और चाइना की भी, यानी कि भारत और चाइना की ट्रेड में, भारत अमेरिका की ट्रेड में इंबैलेंस है, वो ठीक है, वो हमारे फेवर में है. कई ट्रेड ऊपर नीचे होती हैं, इनकी सिर्फ नीचे नीचे ही है क्योंकि ये कुछ बनाता ही नहीं. तुम क्या सोच रहे हो, तुम बीजिंग क्या भेजोगे, शान के मसाले भेजोगे, जांगिये बनियान भेजोगे, टॉवल भेजोगे, तुम भेजोगे क्या जो तुम बनाते हो जो चाइना को चाहिए? यार अंडरवेयर तो चाइनीज भी बना लेते हैं, तौलिया तो चाइनीज भी बना लेते. तुम्हारे पास ऐसा नायाब, ऐसा यूनिक, ऐसी अलग चीज क्या है? तुम्हारी USP क्या है? एक बात बताओ तुम ट्रेड की. ये शहबाज शरीफ पता नहीं क्यों झूठ बोलता है लंबे लंबे अपने. अच्छा कौम भी ऐसी मदरसा छाप है पाकिस्तानी, इतनी मदरसा छाप कौम है कि फट से तेल के भंडार हैं जी हमारे पास, तेल ही तेल है, गैस ही गैस है हमारे पास. अब गैस तुम्हारी शेख रशीद के पेट के अंदर है, जमीन के अंदर कोई गैस नहीं है. अब ये देखो, पाकिस्तान चाहता है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस. पाकिस्तान वीजा पॉलिसी इसलिए चेंज कर रहा है फॉर ईज ऑफ डूइंग, यानी कि बिजनेस करने में. तुम्हारा बिजनेस है ही नहीं कोई यार. जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी कंपनियां हैं दोस्तों, वो 90% रियल एस्टेट का काम करती हैं, जमीन खरीदना बेचना, टावर बनाना, रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स, ये तो इनका काम है जो सबसे लो IQ वाला काम होता है, इन द सेंस कि यार इट्स ब्रिक एंड मोटर वर्क. ये तो काम 200 साल पहले भी होता था, 100 साल पहले भी होता था. तुमने नया क्या करा अपने साथ? ये देखो, पाकिस्तान हैज बीन ग्रैपलिंग विद प्रोलॉन्ग्ड इकोनॉमिक क्राइसिस सीकिंग फाइनेंशियल असिस्टेंस फ्रॉम फ्रेंडली. भाई यही चीज है, अपने मैक्रो इकोनॉमिक गेन्स. देखो सुनो, मैं पाकिस्तानियों को एक बात बताता हूं यार. देखो सुनो, जब तक तुम अपने मुल्क के हालात ठीक नहीं करोगे ठीक है, तब तक कोई आने को खुश नहीं होगा तुम्हारे मुल्क में. तुम पैसा देके लोगों को बुलाओगे ना, है नहीं तुम्हारे पास. लेकिन अगर तुम चाइना से भीख मांग के और दूसरे लोगों को पैसा भी दोगे, मुझे कोई पाकिस्तानी बोल दे
कि मैं तुम्हें इंडियन 100 करोड़ दे रहा हूं, मैं नहीं जाऊंगा पाकिस्तान क्योंकि मैं जिंदा नहीं बचूंगा यार खर्च करने के लिए, मुझे पता मार देंगे वहां पे पागल लोग। भाई मुझे 100 करोड़ इंडियन दे दिए, पाकिस्तानी भी नहीं, इंडियन 100 करोड़ दे दिए, मैं तो वैसे नहीं जाऊंगा यार। डजंट मैटर, मनी मनी हेल विद द मनी, बट कोई भी सोचेगा, मैं अपना एग्जांपल दे रहा हूं, कोई भी सोचेगा यार कि वो 100 करोड़ की ऐश काटने के लिए मुझे जिंदा तो रहना है, खतरों के खिलाड़ी खेलने थोड़ा जाना है पाकिस्तान। यहां पे पाकिस्तानी कह रहे हैं कि वीजा फीस, भाई साहब तुम्हारे जो मुल्क में ना 2-3 सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, सबसे बड़ी तुम्हारी प्रॉब्लम इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी नहीं है, जो तुम सोचते हो कि इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी की वजह से तुम्हारी इकोनॉमी खराब हो रही है, वो है कारण, वो बहुत जरूरी वजह है, मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन सिर्फ वो कारण नहीं है। तुम्हारी कंट्री में रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का कॉन्सेप्ट ही नहीं है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये है। बिजनेसमैन बहुत रिस्क लेता है, बिजनेसमैन जो है ना बहुत रिस्क लेता है, जियोपॉलिटिकल फैक्टर्स में लोग रिस्क ले रहे हैं, वहां पे ईरान और इसराइल की कह रहे हैं ओपन वॉर होने वाली है, उसमें भी लोग पैसे कमा रहे हैं। तो आप ये मत सोचना, आप ठीक है सप्लाई चेन डैमेज होंगी, उससे सप्लाई चेन इंपैक्ट होंगी दुनिया भर की, लेकिन आप ये मत सोचना कि जहां पे लड़ाई होती है, जहां पे जंग होती है, वहां पे धंधा नहीं होता। वहां पे भी लोग ऐसे हैं जो पैसा कमा लेते हैं, जिनको धंधा करना आता है वो पैसे कमा लेते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि अगर कोई $100 लगाएगा पाकिस्तान में, तो पाकिस्तान को क्लैरिटी देनी पड़ेगी कि भाई इसमें पोटेंशियल है $200 कमाने का, तूने 100 डाले भाई तू 200 कमाएगा। पाकिस्तानी कह रहे नहीं, देखो तू $100 डालेगा वहां पे, ठीक है फिर हम तुझे लूट लेंगे, और तुझे लूटने के बाद हम लोग काम करेंगे, फिर हम तेरी हत्या भी कर देंगे। तो जब हम सब कुछ कर देंगे, एक काम कर, ये होने वाला है तेरे साथ, अच्छा अच्छा भाई साहब ये होने वाला है, एक काम कर तेरी वीजा फीस माफ है, आ जा बेटा पाकिस्तान, वेलकम टू पाकिस्तान।